रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बालाघाट मध्य प्रदेश से ये खबर हमारे पास आ रही है, जहां पर स्कूल की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की है कहने को लिए बच्चे। जिले के आदिवासी बाहुल्य विरसा का उत्कृष्ट स्कूल भवन अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। इस बात की गवाही भवन की जर्जर हो चुकी इमारत दे रही है, जिसका दंश स्कूली बच्चे कई वर्षों से भोग रहे हैं। उत्कृष्ट स्कूल है बिरसा का हाई सेकेंडरी स्कूल, लगभग 32 साल पुराना है। कुछ साल पहले स्कूली शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय का नाम दिया था, लेकिन सिर्फ कहने से कोई उत्कृष्ट तो नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए बिरसा के इस स्कूल को ही ले लें, 32 साल पुराने भवन का भरपूर उपयोग किया गया, लेकिन भवन की जर्जर हालत को सुधारने की जहमत शासन और प्रशासन अथवा जनप्रतिनिधियों ने नहीं उठाई है। परिणाम स्वरूप भवन क्षीण होता गया और अब हालात ये हैं कि स्कूल भवन की छत का प्लास्टर गिरने लगा है, जिसके कारण बारिश में छत का लीकेज होने लगा है। स्कूल समय में कई बार प्लास्टर गिरने से बच्चों की जान पर भी बनाई है, जिसके तहत स्कूल को खाली करा दिया गया और अब पास में स्थित मिडिल स्कूल के भवन में दो पालियों में स्कूल लगाया जा रहा है। सुबह मिडिल और दोपहर को हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाया जा रहा है। एक बार छत का प्लास्टर पढ़ाई कर रहे बच्चों पर भी गिर चुका है। छात्र छात्राएं अपनी दिक्कतें बता रहे हैं, दो पालियों में स्कूल लगने से उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। बात करते समय उनके चेहरे पर दहशत के भाव साफ नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने कुछ छात्र छात्राओं से बात की, पेश है एक रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मानसिक। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? कक्षा 11। क्या समस्या है आपकी? स्कूल गिर रहा है बिल्डिंग, और हमें समस्या हो रही है तो माध्यमिक स्कूल में बैठ रहे हैं। अभी आप लोग कहाँ बैठते हो? माध्यमिक। कब से हो रही है समस्या? कितने दिनों से ये सब बिल्डिंग गिर रही है और समस्या आ रही है? इसी वजह जी। कुमारी शर्मा। ओके। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? कक्षा 12। अच्छा, यहाँ क्या समस्या है आपके स्कूल में? जी जो यानी हमारी जो क्लासेस है और जो पूरी बिल्डिंग है वो टूट रही है, और हमको यानी अंदर बैठने में समस्या है, जिससे हम बाहर दूसरे यानी स्कूल में क्लासेस लगा रहे हैं। तो बस वही क्लास को यानी जो बिल्डिंग है वो कभी भी गिर सकती है। और आप क्या चाहते हो? ये कि जो हमारा यानी जो स्कूल है, जो ये बिल्डिंग है, वो नई बने। आपने इसकी शिकायत किसे की है, जिम्मेदार अधिकारी? जी किए तो विधायक संजय। क्या बोले उन्होंने? उन्होंने बोले कि यानी अगले साल तक नई बन जाएगी। आपका? जी मेरा नाम महेंद्र उठे है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 12th में पढ़ता हूँ। अच्छा, आपके यहाँ क्या समस्या है स्कूल में? जी हमारे स्कूल का बिल्डिंग जो गिर रही है, ऊपर का प्लास्टर गिरना है, और फिर एक दिन तो ऐसा आया था कि दो बच्चे के ऊपर गिर गए, उनके सर में बहुत चोट लगी थी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि नई बिल्डिंग बन जाए। आपने इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारी जी जनप्रतिनिधि की है? हमारे विधायक श्री संजय से की है। उन्होंने क्या बोले? ये बोले उन्होंने कि एक साल में बना देंगे, हम अगस्त तक बना देंगे ऐसे बोले। क्या नाम है आपका? शालिनी चौहान। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 12। क्या समस्या है आपके स्कूल में? सर हमारे स्कूल की बिल्डिंग गिर चुकी है, हमको क्लास लगाने में भी दिक्कत जा रही है, इसलिए हम लोग माध्यमिक स्कूल में क्लास लगा रहे हैं। और सर मतलब अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, खतरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिल्डिंग की व्यवस्था की जाए। और सर मतलब मिडिल में स्कूल लगाने से दो शिफ्टों में स्कूल लग रही है, फर्स्ट शिफ्ट में मिडिल के बच्चे आते हैं, फिर 12 बजे से हमारी स्कूलें लग रही है, और क्लास भी छोटी पड़ती है, हम लोगों को दिक्कत भी जा रही है क्लास लगाने में, एक क्लास में अच्छे से हम लोग सारे लोग आ भी नहीं पा रहे हैं। स्कूल प्राचार्य ललित मिश्रम बताते हैं कि स्कूल भवन की दुर्दशा की जानकारी उन्होंने शासन प्रशासन को दे दी है, सिवाय आश्वासन के अब तक कुछ नहीं मिला है। रिपेयरिंग के बजाय नया भवन बनवाना ही अब उचित होगा। सर आपका परिचय? मैं ललित कुमार मिश्रा, प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय बिरसा। सर यहाँ क्या समस्या है स्कूल की? यहाँ पर स्कूल का भवन बिल्कुल जर्जर हो चुका है, जो पुराना भवन है उसके लिए हमने उच्च अधिकारियों को जानकारी भी दे दी है, और फिलहाल आयुक्त महोदय और सहायक आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार हमने वहाँ पर स्कूल लगाना बंद कर दिया है, बच्चों के हित को देखते हुए। कितने दिनों से हो रही है ये समस्या? लगभग एक साल से। सर लगातार अपन एक साल से मतलब जानकारी दे रहे हैं शासन प्रशासन को।
उसके हमेशा जो है लेटर दिए गए। क्या क्या जवाब मिल रहा है सर? बस रिपेयरिंग की मिनिस्टीमेट भेज दिया गया है, अभी रिपेयरिंग हो जाएगी, इस प्रकार के आश्वासन मिल रहे हैं। सर अभी तो काफी समस्या होती होंगी क्लास लगाने में। जी क्लास में दो पालियों में स्कूल लगा रहा हूँ, सुबह 7:30 से 12 बजे तक मेरे यहाँ माध्यमिक शाला लग रहा है और 12:45 से लेकर 5:30 तक मेरे यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल की क्लासेस जो सुरक्षित कमरे हैं उन पे लगाई जा रही है। सर क्या चाहते हैं अपन, स्कूल प्रबंधन क्या चाह रहा है? स्कूल प्रबंधन ये चाह रहा है कि ये बिल्डिंग पूरी कोलैप्स हो चुकी है, इसको जो है डिस्ट्रॉय करके नई बिल्डिंग विद्यालय हित में देना हितकर होगा। वहीं क्षेत्रीय विधायक संजय उइके जो कांग्रेस पार्टी से हैं, स्कूल भवन की जर्जर हालत से भलीभांति परिचित है, भवन की दशा सुधारने के लिए बड़े बजट की दरकार है जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैं अभी साइकिल वितरण समारोह में गया था, तब मैंने खुद भी देखा हूँ भवन की छत की हालत बहुत खराब है। अब उसमें केवल एक कमरे या दो कमरे नहीं, पूरे कमरों की हालत बहुत खराब है और प्रचार द्वारा जो अतिरिक्त कक्ष बनाए गए थे वहां सागा को 2 शिफ्टों में लगाया जा रहा है। अब चूंकि उसके लिए बजट की राशि की ज्यादा जरूरत है, बजट का प्रावधान करना पड़ेगा, तो उसको हम अगले सत्र में स्वीकृत कराने का हमारा प्रयास है। हम अगले सत्र में बहुत स्वीकृत हो जाए। सर अभी वर्तमान के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? वर्तमान में तो 2 शिफ्टों में क्लास लग रही है, अतिरिक्त कक्षाओं का अतिरिक्त भवन बना हुआ है कक्षा के लिए, उस पर 2 शिफ्टों में स्कूल लग रहा है। बालाघाट से इंडिया खबर लाइव के लिए DK सलाना की एक रिपोर्ट।